नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मामले तो रोज सुने होंगे, पर करीब की थाली का पैसा, वो भी 10 या 50 नहीं करोड़ों रुपए का घोटाला। आपको बता दें कि मामला जबलपुर के खाद्य विभाग का है, जहां राशन विक्रेता द्वारा ये आरोप लगाए गए हैं कि खाद्य विभाग से जुड़े हुए नीचे से ऊपर तक के अफसर ने गरीबों के हित का राशन का करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इसके साक्ष्य वो प्रतिवेदन जांच के लिए जबलपुर के तमाम बड़े अधिकारियों को दे चुके हैं, पर इस पर जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। सरकारी विभाग जहां एक चपरासी से गलती होने पर उसे हटा दिया जाता है, वहां ये करोड़ों रुपए का झोल, वो भी गरीब की थाली का, हाय तौबा। मामला नगर निगम कमिश्नर ईओडब्ल्यू जबलपुर से लेकर के जबलपुर कलेक्टर तक संज्ञान में है, पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, इस मामले में चेन लंबी है। ये सभी के मुंह बंद कर दिए गए, आखिर कैसे खुलेगा इस घोटाले का राज, क्या दोषी होंगे सलाखों के पीछे, ये ऐसे ही गरीब की थाली का हक मारते जाएंगे अधिकारी। अब देखना यह है कि क्या जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का क्या होगा एक्शन पर रिएक्शन, क्या इस मामले पर होगी कार्रवाई या फिर आश्वासन। यहाँ जिलाध्यक्ष कार्यालय में इकट्ठे हुए हैं राशन दुकान के विक्रेता, जिनके साथ खाद्य विभाग के द्वारा छलावा किया गया और अपने चहेते दुकानदारों का उन्होंने माल अपनी आईडी से घटाया और बाकी दुकानदारों को उन्होंने छोड़ दिया, और उन्हीं दुकानों से जिनका माल घटा है, जिनके द्वारा उनको भारी रकम दी गई है, उन्हीं को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया है। तो हम लोग आज यहाँ आए हैं, माननीय कलेक्टर महोदय के यहाँ एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि जो हमने ज्ञापन दिया है उसमें तत्काल कार्रवाई करें और हम लोगों को इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर हम लोग को इसमें परेशानी राहत प्रदान। लगभग 100 करोड़ का घोटाला है इसके राशन, हाँ, इसके पहले भी हम लोग कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए वह कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो अधिकारी यहाँ पर 20 साल से पदस्थ हैं, 10 साल से पदस्थ हैं, उनको यहाँ से बाहर किया जाए ताकि नए लोग आएँ और नए तरीके से सुचारू व्यवस्था को चला सकें। जय हिंद, जय भारत। पूनम चंद सोनकर, नगर कांग्रेस से बदल। खाद्य विभाग कलेक्टर कार्यालय जबलपुर में पहले खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बहुत बड़ा कई करोड़ का घोटाला किया है। 2022-2021 में इन लोगों ने सहायक आपूर्ति अधिकारी संजय खरे, सहायक आपूर्ति अधिकारी अनीता सोरते, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नीलम दुबे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी वसुंधरा पेंड्रो और इसमें सुधीर दुबे और यहाँ के जबलपुर में जो पदस्थ 2022 में फूड कंट्रोलर नुजहत बकई मैडम, उनके कार्यकाल का ये घोटाला है और कई करोड़ों का घोटाला है। ये इसके सामने व्यापक मंडल का घोटाला भी फेल हो जाएगा अगर इसकी कलेक्टर महोदय के हम लोगों ने 7-8 बार आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई कलेक्टर महोदय नहीं कर रहे हैं। और कमिश्नर महोदय को हम लोगों ने आवेदन दिया है, कमिश्नर महोदय ने 3-4 बार कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा है, जिसके हमारे पास पूरे प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, इन खाद्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जांच की जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी कार्रवाई है ठोस कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन लोगों ने कई करोड़ का घोटाला किया है। और सहायक आपूर्ति अधिकारी जो यहाँ पे पदस्थ हैं, कई वर्षों से पदस्थ हैं, उनको पूरी एक एक जानकारी है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या नहीं हो रहा है, उनको पूरे उसको मालूम है। और उनने अभी माह फरवरी 2024 में उनकी बेटी की शादी जबलपुर के 5-स्टार होटल विजन महल में बड़ी धूमधाम से कई करोड़ों की शादी की गई है। किस प्रकार से घोटाला किया है? इन लोग अपनी पर्सनल आईडी की लॉगिन से स्टार्ट गेहूं चावल का घटाया है, कई दुकानों का हमारे पास 7 प्रमाण हैं, किसी का 1,500-1,500 कुंटल गेहूं चावल, 2,000-2,500 कुंटल चावल, इस प्रकार घटाया इन लोग लॉगिन से घटाया है। और इन लोग क्या कर, सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी गुमराह कर रहे हैं कि मैं वहाँ पर मेरा तबादला वहाँ हो गया था, ये सिसिंगरौली में हो गया था, उनका तबादला जरूर हुआ था, लेकिन पूरा उनने वहाँ ज्वाइनिंग ही नहीं की है और पूरा कार जबलपुर में ही कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय जी निष्पक्ष इसकी जांच करें, जो भी अधिकारी दोषी है उसको सजा दी जाए। नाम आप? मैं राजू सिंह, जबलपुर, मध्य प्रदेश।